यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटर। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर टू, पेपर नंबर टू का यूनिट नंबर टू जो है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, उसके एक नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को, जिसका नाम जो है वो है कॉस्ट ऑडिट। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 11 के प्रसाद सीरीज में 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हमारे 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 कॉस्ट ऑडिट के टॉपिक से। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है हमने इसके अंदर डाले हैं, और कोशिश है, यही कोशिश की है कि लगभग कॉस्ट ऑडिट से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से अपना क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और भी है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जरूर इसके करवाऊंगा। ओके, हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो क्या, कॉस्ट ऑडिट का 11 का प्रसाद। तो आज की क्लास में हम 11 क्वेश्चन वही पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से 11 क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन तो हम यहीं पे सोल्व करेंगे और एक मिलेगा आपको क्या, होमवर्क। ओके, हाँ जी सर, चलो आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, ये ₹5 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, द ऑडिटर शैल एड्रेस, ऑडिटर जो है वो एड्रेस करता है अपनी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ऑडिटर जो है, देखो जैसे एक नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं किसका, नॉर्मल ऑडिट का, फाइनेंशियल ऑडिट का। तो फाइनेंशियल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो किसको जाती है, शेयर होल्डर को। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसका, कॉस्ट ऑडिट की। तो कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट है, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर यहां पर कौन होगा, बेसिकली कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटर पहले कॉस्ट ऑडिट करेगा, करने के बाद में उसकी जो रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट जो है वो किसको एड्रेस करता है, किसको दी जाती है जो रिपोर्ट होती है, वो किसको, शेयर होल्डर को। नहीं सर, वो रिपोर्ट जो है वो दी जाती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो फॉरवर्ड की जाती है किसको, कंपनी को। तो जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इशू करता है किसको, सीजी, एंड फॉरवर्ड करता है उसकी एक कॉपी ऑफिस रिपोर्ट टू द कंपनी। ओके, हाँ जी, तो सबसे पहली बात हो गई है क्या, कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऑडिट रिपोर्ट तो अपने मेंबर्स को जाती है, मेंबर ऑफ द कंपनी को, बट दैट्स नॉट द नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स नॉट द फाइनेंशियल ऑडिट, दैट्स द कॉस्ट ऑडिट। एंड कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट होती है वो जाती है किसको, वो जाती है जी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसकी एक कॉपी जो है वो जाती है किसको, आपके कंपनी को भी। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या, डी। सेकेंड क्वेश्चन जो है आज का वो है ये, अंडर सेक्शन 148 के अंदर, सेक्शन 148 डील करते हैं किसको, कॉस्ट ऑडिट के, ठीक है। तो कंपनी एक्ट का जो सेक्शन 148 है उसके अंदर, द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसको जो है वो मेंटेन करना जरूरी नहीं है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था एमएसएमई के अंदर आने वाली, एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आने वाली जो माइक्रो इंडस्ट्री और जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर बेसिकली आपके सेक्शन 148 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, उनको जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जो है वो जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 148 जो है वो क्या बोलते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड, वो जरूरी नहीं है किसके लिए, फॉर ए माइक्रो एंटरप्राइज और ए स्मॉल एंटरप्राइज। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जरूरी नहीं है। सर वो नीचे बोले जो कुछ है ये भी आपने एक बार पढ़ाए थे, इनका कुछ था, लेकिन ये वो लोग है जिनको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर सेक्शन कौन सी की बात हो रही है, सेक्शन 148 की, और एज पर सेक्शन 148 कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जो है वो इनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती, किसके ऊपर, एमएसएमई एक्ट के अंदर डिफाइन की गई माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो जो भी आपकी माइक्रो एंटरप्राइज है या जो भी आपकी स्मॉल एंटरप्राइज है उसके ऊपर सेक्शन 148 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बोले तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी, आंसर क्या हो गया, ए। थर्ड बोलता है कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोस कंपनी, किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। सबसे पहला, हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन द फॉरेन एक्सीड 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। वो सारी कंपनी जिनका मेन काम जो है वो क्या, एक्सपोर्ट करने का, और उनका एक्सपोर्ट से आने वाला जो रेवेन्यू है वो उनके टोटल रेवेन्यू के 75% से भी ज्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट से ही मेजर अगर बिजनेस इनकम आ रही है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। गवर्नमेंट बोल रही है हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम दबादब एक्सपोर्ट करो और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रिजर्व है उसको बढ़ाने का काम करो, ठीक है, आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको भी कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, या कोई भी अगर ऐसी एंटिटी जो एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर मान लो एस्टेब्लिश्ड है तो उसको भी कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। एंड विच इज एंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू द कैप्टिव जनरेशन प्लांट, ऐसी कंपनी को भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर लगी हुई है ऐसी कंपनी को भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट, सॉरी कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों की तीनों कंपनी को जो है वो कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोले तो इन तीनों तरह की कंपनीज के ऊपर या तीनों तरह की एंटिटीज के ऊपर जो है वो कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट
कोस ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय, कोस ऑडिटर जो है कंपनी का उसको अपॉइंट कौन करता है बताओ, आप बताओ कौन करता है? सर कोस ऑडिटर को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अबे क्या बात करते हो, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वो करती है किसको? सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करती है किसका, बोलो बोलो, जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसके अंदर जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहां पे जो कोस ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द बीओडी, बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा। विद इन कितने दिन में? 180 दिन के अंदर, विद इन 180 डेज, कब से? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना जो है वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है। चलो जी नॉर्मल ऑडिटर 30 दिन, ध्यान रखना। चलो, इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोस ऑडिटर इज फाइल बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसके ना अपने सीआरए फॉर्म्स होते हैं, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4। तो आओ पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। देखो कोस ऑडिटर के अंदर हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा द मिनिस्ट्री हैज इशू नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल, CRA, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, CRA रूल्स बोलते हैं। कोस्ट रिकॉर्ड क्या बोलते हैं? कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फॉलोइंग न्यू फॉर्म्स हैव बीन नोटिफाइड पर्सुएंट टू द न्यू कोस्ट रिकॉर्ड एंड द ऑडिट रूल, वो क्या, वो कौन-कौन से हैं? वो हैं आपके फॉर्म CRA 1, फॉर्म CRA 2, फॉर्म CRA 3 एंड फॉर्म CRA 4। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो आपके जो कोस्ट ऑडिटर के जो फॉर्म हैं वो कितने हैं आपके? 4, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4। CRA 1 जो है उसके अंदर बताया जाएगा क्या आपका फॉर्म किस तरीके से, इन विच द कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। CRA 1 के अंदर बताया गया कि तरीका किस तरीके से आप अपने कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। CRA 2 के अंदर बताया गया है क्या फॉर्म्स ऑफ इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द CG। कंपनी ने किसको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है उस चीज का इंटीमेशन जो है वो दिया जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा। फॉर्म CRA 3 के अंदर जो है वो क्या आता है? फॉर्म ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, किस तरीके से आप अपने कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रेम करेंगे, तो वो आएगा फॉर्म नंबर CRA 3 में। और फॉर्म नंबर CRA 4 के अंदर क्या आएगा? फॉर्म फॉर फाइलिंग द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कंपनी वो देखो, एक तो कोस्ट ऑडिट कर ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो जाएगी, और ऑडिट की रिपोर्ट के बाद में जो है उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्लैरिफिकेशन देनी होती है किसको, किसको देनी होती है? एक रिपोर्ट बना के देनी होती है कंपनी के डायरेक्टर को, कौन और किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसके लिए जो फॉर्म रहेगा, जो फॉर्मेट रहने वाला है वो है आपका कहां पे? CRA 3 में। तो सॉरी CRA 4। तो CRA 4 क्या किसकी बात करेगा? फॉर्म फॉर फाइलिंग द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन करेगा? ये कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइल कौन करेगा? ये करेगी कंपनी, किसको करेगी? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो फॉर्मेट दिया गया वो कहां दिया गया? CRA नंबर 4 के अंदर। ओके, तो अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की अगर हम इंटीमेशन की बात करते हैं तो ये इंटीमेशन अपॉइंटमेंट जो है कोस्ट ऑडिटर का, ये जो कंपनी जो है इंटीमेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किस फॉर्म में देती है? तो उसका है फॉर्म CRA 2। ये देखो CRA 2 के अंदर बात करते हैं किसका? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कोस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द CG। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? CRA 2, बोले तो C। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कैजुअल वैकेंसी, अगर मान लो आपका जो कोस्ट ऑडिटर है अगर वो बीच में छोड़ के चला गया, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसको फाइल कौन करेगा? अगर बात करेंगे इसका तो इसको फाइल करेगा कौन? बोर्ड करेगा। और कितने? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो बोर्ड को उसको क्या करना पड़ेगा? फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ द कोस्ट ऑडिटर, अगर आपका कोस्ट ऑडिटर बीच में छोड़ के चला गया तो उस कैजुअल वैकेंसी को, वो जो खाली जगह है उसको फिल जो करेगा वो कौन करेगा? वो बोर्ड करेगा। कितने? 30 डेज के अंदर अंदर। ओके हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट ऑडिटर परफॉर्म द कोस्ट ऑडिट, कोस्ट ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करता है कोस्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डिंग? एक मेरी बात समझिएगा, देखो जो हम अकाउंट्स फ्रेम करते हैं तो उसको अकाउंटिंग जो करते हैं वो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसी तरीके से कोस्ट ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जो करते हैं उसके ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, और कोस्ट ऑडिटिंग के भी अपने क्या है? स्टैंडर्ड है। तो कोस्ट ऑडिटर जो अपना कोस्ट ऑडिट परफॉर्म करता है वो किसके हिसाब से करता है? वो करता है जी आपका कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से? कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नहीं, जो नॉर्मल आपकी फाइनेंशियल, ध्यान से सुनना, जो नॉर्मल आपकी फाइनेंशियल ऑडिट होती है ना, ये फाइनेंशियल ऑडिट की जाती है किसके थ्रू? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के थ्रू। बट बात हो रही है कोस्ट ऑडिट की, तो कोस्ट ऑडिट जो की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के थ्रू। ओके हैं, बोलो बोलो। हां जी सर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिट इन द फॉर्म। अब आप बताओ कोस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है ये किस फॉर्म में सबमिट होती है? सर ये होती है CRA 3 के अंदर, क्योंकि CRA
टू जो है वो तो अपॉइंटमेंट का है, सीआरए थ्री जो है वो है कोर्स ऑडिट रिपोर्ट का, और सीआरए फोर है किसका, जो उसकी रिपोर्ट जाती है डायरेक्टर के द्वारा। तो ये हो गया कोर्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड इन द फॉर्म सीआरए नंबर थ्री। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है कोर्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिट बाय द कोर्स ऑडिटर टू द बोर्ड। अब ये बताओ कोर्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा, जो कोर्स ऑडिटर जो है वो सबमिट करेगा किसको, बोर्ड को करेगा, कितने दिन के अंदर, विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको जो है वो अपने कोर्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा किसको, अपने कंपनी के डायरेक्टर को या बोर्ड को। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, 180। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है होमवर्क, हालांकि इसमें से एक पार्ट तो हमने कर भी लिया तो आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कंपनी शैल विद इन, कंपनी जो है शैल विद इन कितने दिनों के अंदर ऑन द रिसीप्ट ऑफ द कोर्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद सच रिपोर्ट अलोंग विद द फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयर इन इन फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, तो आपको शायद आप कर ही लेंगे इसका, तो मुझे बता देंगे, मुझे उम्मीद पूरी पूरी है। वैसे आपको मैं बता दूं, एक बार क्वेश्चन समझा दूं, देखो सबसे पहले कोर्स ऑडिटर जो है वो कोर्स ऑडिटिंग करेगा, कोर्स ऑडिट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इशू करेगा, एक देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक देगा किसको, कंपनी को, ठीक है। फिर कंपनी उस रिपोर्ट के ऊपर क्लेरिफिकेशन देती है, कंपनी के जो डायरेक्टर है उस कोर्स ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर क्या देते हैं, अपनी क्लेरिफिकेशन देते हैं, और वो जो क्लेरिफिकेशन दी जाती है उसका एक सेट फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, और वो कितने दिनों के अंदर जाती है। ओके हाँ जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है आज। ओके हाँ जी सर, सर लास्ट क्लास के अंदर आपने हमको एक क्वेश्चन दिया था, उसका थोड़ा डिस्कशन करवा दीजिए। लास्ट क्लास का ये था जी हमारा क्वेश्चन ये था, इन विच ऑडिट, इनमें से कौन सी ऑडिट ऐसी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एयर एमिशन वाटर एंड द सोइल पोल्यूशन लैंडस्केप एक्सेट्रा इज डन। किसके अंदर इन सब चीज का असेसमेंट किया जाता है, बेसिकली जो पोल्यूशन इन सब चीजों का असेसमेंट जो है इनमें से कौन सी ऑडिट के अंदर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जी कौन सा आपका, सी, बोले तो एनवायरमेंटल ऑडिट। मेजॉरिटी बच्चों का जो है वो आंसर जो है वो सही है, कुछ एक हैं महान इंसान उनका आंसर गलत है, तो आपको पहली बात तो आंसर जो है इसका क्या है, सी है। आइएगा हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के बारे में कौन कौन है वो, लास्ट से शुरू करता हूं। हाँ जी, सबसे पहला कमेंट आया था जी आकांक्षा मिश्रा का, और ये बोले सर यू आर द बेस्ट एंड यू टीचिंग स्टाइल का कोई जवाब नहीं, थैंक यू। आगे नेहा कुमारी बोले आज सुबह सुबह प्रसाद, हाँ जी मिलेगा आकांक्षा मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, अप्रिशिएट। अंशिका जी सर, हेलो सर योर वीडियोज इज लाइक मॉर्निंग बूस्टअप, अरे वाह थैंक यू। सोनिका चौधरी बोल रही है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, आकांक्षा मिश्रा ऑप्शन सी करेक्ट है, शगुना ढीलो ऑप्शन सी करेक्ट है, और मंजू जाखड़ सर आंसर तो आपने बता दिया एनवायरमेंट बोल के, चलो ठीक है थोड़ी हेल्प तो करी थी तुम्हारी, चलो सही है आंसर। नेहा कुमारी का सी ओके है, श्री लक्ष्मी पांडा जी का है सी सर यू आर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। राहुल शर्मा जी का भी है सी एकदम ओके। अंशपुरम जी बोल रहे सर आज तो फुल मस्ती के मूड में थे आप, बिल्कुल हम हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं, आंसर इनका सी है एकदम करेक्ट है। बरखा जी का है सुबह सुबह, हाँ जी सुबह सुबह, आगे आंसर तो बताओ ना लाइक। फिर जयश्री जी हैं वो बोल रहे हैं कि आंसर सी बिल्कुल ओके है। सोनिया मल्हान बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर नाइस वीडियो एंड आंसर इज सी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आंसर सी ओके है। फिर आशासन जी का सी ओके है, सोनिया मल्हान जी का थैंक्स फॉर मॉर्निंग प्रसाद, वेलकम, ऐसे आपको प्रसाद मिलता रहेगा, कभी बूंदी कभी गुलदाना। चल आगे बढ़ते, नेहा सिंह जी बोल रहे आंसर सी ओके है, अभिषेक कुमार यादव जी बोल रहे आंसर सी ओके है, और अंशिका सिंह आयु जो है वो बोले 10 out of 10, ये अबे आंसर तो बोल, ये क्या करने कर रहे हो तुम। आगे अरुणा शर्मा बोल रहा है आंसर विल बी ऑप्शन सी एकदम ओके है, अंशिका सिंह आयु, अच्छा यहाँ पे बताया आंसर सी एकदम ओके है, बिनु यादव जी का सी ओके है, दीपक राठौर जी का आंसर सी एकदम करेक्ट, सुप्रिया मित्तल जी का सी करेक्ट, अमित पानू जी का भी सी ओके है, रुकैया अंसारी जी का सी ओके है, रुक्मिनी बीसी गौड़ा आंसर सी, जो भी है नाम बहुत अच्छा नाम है लेकिन हमें मतलब हम स्पेलिंग करवा रहे हैं लेकिन आंसर ओके है, कोमल कुमारी जी का भी जो है वो सी ओके है, और अनिता अनु जी का आंसर सी ओके है, गुड मॉर्निंग सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, माधवी कौशिक जी का सी एकदम ओके है, नेहा आचार्य जी का हेलो सर आंसर इज सी एकदम करेक्ट, तस्लीम सुल्ताना जी का आंसर सी एंड योर वे ऑफ टीचिंग सुपर्ब, थैंक यू वेरी मच, रेखा वर्मा जी का सी एकदम ओके है, अमरीन जी का सी ओके है, सुमित कुमार सी
एनवायरमेंटल ऑडिट ओके है, मुश्ताक जी का ओके है, मोहन धारीवाल जी का है आंसर ओके, सही है सही है सही है। रजत पुंडीर जी का भी आंसर है सी, प्रिया सिंगल जी का सी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुप्रीत कौर जी का है आंसर सी, ओके है। स्टार शिवू जी का आंसर डी, अरे स्टार कहाँ के हो बे तुम, स्टार नहीं हो तुम, तुम गिटार हो पूरे, बच गए हो तुम यहाँ पे। आंसर डी कहाँ से आ गया भाई, आंसर इज नॉट द डी, आंसर इज द सी, चलो कोई बात नहीं। अनामिका गुप्ता जी का है सी, एकदम ओके है। आशी आयशा फातिमा जी का सी, ओके है। सर आई वॉज वेरी सैड यस्टरडे बिकॉज आई वॉज आंसर रॉन्ग। अच्छा आपका आंसर गलत था, तो सैड होने की क्या बात है भाई, कोई बात नहीं, उसको सही कर लीजिए बताओ, ये तो लाइफ का जर्नी है भाई, ये चलती रहेगी ऐसी, तो ऐसे परेशान नहीं होने का, अपने को हमेशा मस्त रहने का, ठीक है ना। तो परेशान पुरुषों मत हो, सैड होने कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्या बहुत लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, चलते रहो चलते रहो। नीतू देवी जी का सी ओके है, सीमा परमार जी का सी ओके है, प्रवीण कश्यप जी का सी ओके, अलका का ओके, लवलीन मेहता जी का ओके, मंजू हुड्डा जी का ओके। आज मॉर्निंग में ही प्रसाद मिल गया, अब सारा दिन बढ़िया जाएगा आपके आशीर्वाद से, तथास्तु, ओके। हिमांशी महाराज जी का सी ओके है, प्रीति अत्री जी का भी ओके है, राजन जी का भी ओके है, शशि शर्मा जी का भी ओके है, प्रीति ओके, प्रीति सिंह का है ओके, अनु भारद्वाज जी का भी ओके, ये मंजुनाथ, मंजुनाथ एसडी, थैंक यू सर, आंसर इज सी, थैंक यू, ओके। पूजा सिंह जी का ओके, समता जी का भी है ओके, अंजलि मिश्रा जी का भी ओके, राहुल रोहिला सी लॉक कर दे सर, एनवायरमेंट ऑडिट, बिल्कुल आप जीत चुके हैं राहुल जी, ₹5 देंगे आपको, हम गूगल पे करेंगे। संध्या कुमारी जी का एनवायरमेंट ऑडिट आपका भी ओके, विजय कुमार भगत जी का ओके, माधुरी रानी का ओके, पूजा कुमारी का भी ओके, कनुप्रिया आंसर सी ओके है, बबाई, बबाई का सी करेक्ट, हीना कोकू जी का भी है सी, दीपक प्रजापत का है ऑप्शन सी, शिवानी कोंगो जी का है एनवायरमेंटल ऑडिट, बाकी सबका सबका मैं काम करता हूँ, जिनका गलत है हम वो देखते हैं, बाकी सबका ओके है ओके है ओके है। रीचा पांडे बोले आंसर इज सी एंड सर क्वेश्चन अब इजी लगने लगे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हारे हमारे साथ रहोगे ना, तुम्हें आंसर ऐसे ही आसान लगेंगे, देखना तुम। मोनिक खटो मनु कटोर जी का भी ओके है, अनिमेश ओके, संगीता ओके, और टेक्नोमेशन स्टफ आंसर सी सर, योर टीचिंग स्टाइल नॉलेज एंड एनर्जी लेवल इज रियली एग्जेम्पलरी, आई वॉन्ट बी लाइक यू, नहीं मेरे जैसे मत बिल्कुल मत बनना, घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे, तुम जैसे हो एकदम करेक्ट हो, एकदम ओके हो, एकदम परफेक्ट हो। पिंकी गर्ल थैंक यू सर, सर एक वीडियो कॉन्सेप्ट वाली वाइज किसी यूनिट की स्टार्ट करवाओ, हाँ जी बिल्कुल। बबली बबरवाल सर टैक्स की स्लैब सीट चेंज हो गए हैं, आपने ओल्ड कराई है, नहीं भाई ओल्ड का कराई, अब तो नहीं करवाई हमने, सारा का सारा नया डाले, आप देखो ऐप के अंदर जाके। सोनिया शर्मा जी का ओके है, पिंकी देवी सी 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 सबका सी है, प्रदीप मोहंती जो है वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, एनवायरमेंट ऑडिट आई एम योर स्टूडेंट, दिस इज ए बिग डील फॉर मी, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से, एक्चुअली सर माय बेसिक इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं अब हो जाएंगे, इट फील ग्रेट आफ्टर योर क्लास एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस टू, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लिखा आपने, थैंक यू अप्रिशिएट। नरेंद्र जी का सी ओके, निशा कुमारी ओके, अर्पिता प्रिया ओके, प्रिया झनवाल जी का ओके, सबका ओके, नयागर का ओके है। सर टुडे क्वेश्चन वाज वेरी नॉलेजेबल अबाउट ऑडिटिंग, थैंक यू वेरी मच, वैसे टुडे क्वेश्चन है, आज वाले भी बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन हम अच्छे लेके आते हैं क्योंकि हम भी तो अच्छे हैं मजाक कर रहा हूँ चलो, लेकिन सीरियस हूँ। सृष्टि शर्मा जी का मैनेजमेंट ऑडिट है सर, गलत, सृष्टि सृष्टि ही गलत हो गई है, मैनेजमेंट ऑडिट नहीं एनवायरमेंटल ऑडिट। सचेत साहु जी का है एनवायरमेंटल ऑडिट ओके, सर नेम लेते हैं फिर बोलते हैं मैं नाम ही नहीं लूंगा तुम्हारा, सुचित्रा तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, चलो आंसर ओके। प्रिया शर्मा जी का सी ओके है, मेघा रमानी जी का सी ओके है, नाजिया मेवाती जी का सी ओके है, और कुनमुन कुनमुन ये अच्छा नाम है कुनमुन, छोटे छोटे बच्चों वाला। सर जी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू वेरी मच, आंसर सी ओके ओके। हर्षित गर्ग बोल रहे हैं आंसर सी, 8 करेक्ट हैं 10 में से, राइट, आप भगवान के आदमी हो, मैं भगवान का आदमी भगवान का आदमी नहीं हूं, मैं इंसान का आदमी हूं जो भी है, थैंक यू अर्षी जी आप भी भगवान के आदमी हो, वाह बेस्ट कमेंट आई एवर हैड, बेस्ट कमेंट। राखी यादव जी का सर आप प्लीज अपने ऑनलाइन बैच के बारे में एक वीडियो अपडेट कर दीजिए, जी बिल्कुल कर देंगे, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप नीचे अपने नंबर जो दे रहे ना उसके ऊपर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। डिम्पी धनवाल जी गुड मॉर्निंग, एनर्जी है वेरी गुड मॉर्निंग,
करेक्ट आंसर इज 11C. टुडे आई वाज स्कोर 10/10. दासु लेक्चर, दासु, अच्छा दासु है क्या? ठीक है, ये हरियाणा वाले लोग हैं हमारे, कुछ दासु दासु ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. विकी शर्मा जी बोल रहे हैं एकदम ओके. ठीक है, रविकांत मौर्य जी का ऑप्शन सी 200%. भाई इसका तो 200% है भाई, ओके है भाई. योगेश सैनी जी का भी ओके, प्रेम राठौड़ जी का भी ओके, रविकांत मौर्य सर लास्ट क्लास में मेरा ऑप्शन सही था बट आपने मेरा नाम ही नहीं लिया. कोई बात नहीं रविकांत जी, लास्ट क्लास के लिए एकदम, मतलब आपने 200% बोल दिया ना, तो 100% लास्ट क्लास का, 100% इस क्लास का, चलो एकदम ओके. आप देखेंगे क्या है, बाकी मेजोरिटी सबका सही है यार. ठीक है, बहुत अच्छा लगा. मेजोरिटी सभी बच्चों का जो है वो आंसर एकदम करेक्ट है. आज वाली क्लास का जो है वो आपको बताना है कि इसका जो है वो बेसिकली क्या ऑप्शन होगा. ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए. लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको. आप अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा अच्छा लगेगा. अच्छा नहीं करोगे बुरा करोगे, कोई बात नहीं, कमेंट तो करो, कम से कम पता तो चले कि आखिर कमी क्या है. ठीक है ना, तो चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.